देपालपुर में अति प्राचीन महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर परिसर में लगातार 27 वर्षों से हो रही भजन संध्या में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव की भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। जहां कैलाश विजयवर्गीय के भजनों पर श्रोता जमकर झूमे तो वहीं भजनों की प्रस्तुति के साथ आशा वैष्णव ने प्रस्तुति भी दी, जिस पर माहौल माता की भक्ति के साथ देशभक्ति में भी शराबोर हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विजयवर्गीय ने कहा कि लोग नमक देश का खाते हैं व पीठ में छोरा घोपते हैं, ऐसे लोगों को अमित भाई व नरेंद्र मोदी जी ने चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर जेल में ठूसा है, इसलिए जो भारत माता की पीठ में छोरा घोपेंगे ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। इंदौर बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। शब्द कम पड़ेंगे। आज दुर्गाष्टमी में देपालपुर में महिषासुर मर्दानी के दरबार में बहुत ही विशालतम भव्यतम आयोजन था। मैं पूरे देपालपुर के वासियों को और ख़ास करके हमारे चिंटू जी वर्मा को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम अपने आप में धीरे धीरे हर साल एक बड़े पैमाने से हो रहा है और इतने आप सभी भक्त बड़े झूम कर माता जी की भक्ति की हैं। और भाजपा राष्ट्र महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय ने अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए भी मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। देपालपुर एक तीर्थ नगरी है और यहाँ पे माता जी की आराधना विगत 27 सालों से चल रही है, और जो पुराने समय में ऑर्केस्ट्रा का युग था वो युग अब परिवर्तित होते होते भक्ति भाव और गर्भों और भजन संध्या में बदला है। ये सब माता रानी का प्रताप है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूरे देश भर और विश्व में घूमते घूमते अष्टमी की रात्रि माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने आवश्यक था। आशा जी ने भी आज प्रस्तुति दी और देशभक्ति से शराब और पूरा पांडा देशभक्ति और धर्म का अनूठा संगम था और जो देवी माता के दरबार में इसकी गंगा बही। ये तो बहुत ही समझ लो सेवा का काम है कि 27 साल तक लगातार माँ की साधना करना, ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। और मैं तो पहले से कहता हूँ कि ये मंदिर बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। मैं देपालपुर बरसों से आ रहा हूँ, 50 साल से आ रहा हूँ, पर जिस प्रकार से देपालपुर का विकास हो रहा है उसे माता रानी की कृपा बहुत है और बहुत पुरातन मंदिर है, यहाँ आने पे आनंद भी मिलता है। मतलब माँ की भक्ति के साथ ही देशभक्ति का भी समावेश नज़र आता है आपकी भजन संध्या में, क्या कुछ है? बहुत जरूरी है, देश को विश्व गुरु बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, तब जाकर विश्व गुरु बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।